सीन्स कुछ ऐसे हैं। ब्यूटीफुल यार, 1 AM सुबह के एक बज रहा है, आपको नजर आ रही है मेरे पीछे, ये है सैन फ्रांसिस्को, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं यार आप लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे और रमज़ान जो है वो आपका अच्छे से गुजर रहा होगा। हमारे पास आज तीसरा रोज़ा जो है वो कंप्लीट होने को है, ऑलमोस्ट 2 घंटे रह चुके हैं और मैं निकल रहा हूँ जॉब के लिए। थोड़ा टफ भी है, पहली दफ़ा मैं जा रहा हूँ इस टाइम पे। यूजली मैं रोज़े जो हैं वो घर में ही इफ्तार करता हूँ, लेकिन ये जॉब पे मैंने ट्राई की थी कि मुझे ऑफ मिल जाए, लेकिन स्केड्यूल जो है मेरा चेंज नहीं हो सका, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो सोचा आपको भी साथ ले जाऊँ, व्लॉग भी बना लूँगा और देखते हैं कैसा हमारा दिन रहता है, कैसा गुजरता है, हमें क्या टाइम मिलता है इफ्तार के लिए, नहीं मिलेगा ये मुझे भी नहीं मालूम। खाने पीने का जो थोड़ा बहुत है वो मैंने साथ रख लिया है, तो चलिए चलते हैं। तो खाने में मैंने अपने साथ, वैसे तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ डाइट का, लेकिन रमज़ान में थोड़ा सा मैं अपने लिए एक तो क्या कहते हैं स्पेस ओपन रखता हूँ, तो मैंने एक रूह अफ़ज़ा की शरबत ले आया हूँ, क्योंकि शरबत तो लाजमी है, या आपका रोज़ा नहीं है या फिर आप पाकिस्तानी नहीं है अगर आपके पास शरबत नहीं है तो। तो कुछ आई थिंक समोसे पकौड़े कुछ थोड़े बहुत होंगे और थोड़ा सा मैं जो अपने डाइट का या अपने प्रोटीन के लिए यूज़ करता हूँ चिकन ब्रेस्ट है वो साथ मैंने थोड़ा सा रख लिया है। यह है कि यहाँ ट्रक स्टॉप होते हैं तो रात में एक फ़ायदा ये भी होता है कि दिन में तो आप क्योंकि एक तो ट्रैफिक और जहाँ मैं हमारी जॉब है वहाँ पर बहुत क्राउड ही होता है, तो जो डे शिफ्ट है वो मैं तो रमज़ान में नहीं कर सकता, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ रात की शिफ्ट। तो मेरे घर से जो ये वेयर हाउस है या जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव है। मैं तकरीबन आधा घंटा लेट हूँ क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अभी तक, तो मैं यही समझ रहा था कि आज मैं ऑफ़ हूँ और मेरी भी यही कोशिश थी कि जितने दिन रमज़ान में ऑफ़ मिल जाए उतना ही अच्छा है। तो कैलिफोर्निया जो है ये एक हब है, एक गढ़ है ट्रकिंग का, क्योंकि 70-80% जो अमेरिका है वो ट्रकिंग पर रन करता है। अगर एक दिन के लिए ट्रकर जो हैं वो स्टॉप कर जाएँ, एक दिन के लिए, एक वीक के लिए नहीं एक दिन के लिए, तो आई थिंक 70-80% जो अमेरिका है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। तो इतना जो है वो स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है ये ट्रकिंग इन अमेरिका। तो मेरा जो वेयर हाउस है यहाँ मैं पहुँच आया हूँ, इस जगह का जो नाम है वो है गोल्डन स्टेट फ्रेट। तो यहाँ बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो उन्होंने अपने अपने ट्रक जो हैं वो पार्क किए हुए हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन अराउंड 200 से ज़्यादा ट्रक्स जो हैं वो यहाँ पार्क हैं, तो अपने अपने जो है वो लोकेशंस मार्क की हुई हैं लोगों ने। हमारा जो है वो ये जो सामने खड़े हैं इनके पीछे ट्रक्स जो हैं वो पार्क हैं। तो ये एक जगह खाली है, यहाँ मैं अपनी जो है वो गाड़ी भी पार्क करूँगा। तो ये जितने भी ट्रक हैं हर ड्राइवर को असाइन हुए हैं। एक दिन मैं जो है वो कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा इस पर, एक व्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने अभी बनाना शुरू किया तो या बताना शुरू किया तो अभी ऑलरेडी देर हो चुकी है, तो फिर काफ़ी देर हो जाएगी। तो ट्रक स्टॉप से मैंने अभी फ्यूल लिया है, नमाज़ का भी टाइम हो रहा है, लेकिन नमाज़ जो है वो मैं अपनी डेस्टिनेशन पर इंशाल्लाह, क्योंकि टाइम है अभी मेरे पास, मैं आपको दिखा नहीं सका डिटेल से क्योंकि मैं अभी काफ़ी जो है वो लेट स्केड्यूल से चल रहा हूँ। तो ये ट्रक्स खड़े हैं कुछ अपनी अपनी शिफ्ट जो हैं वो पूरी करके सो रहे होंगे, कुछ अभी सो कर उठ कर निकलने की तैयारी कर रहे होंगे। फाइनली जो है वो मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच आया हूँ। इस जगह के बारे में बताते चलूँ कि इसको पोर्ट ऑफ ओकलैंड बोलते हैं। नॉर्थ अमेरिका के साथ तकरीबन 12,000 माइल पे जो है वो ओशन ऑल द वे टच होता है। जो अटलांटिक ओशन है वो ईस्ट कोस्ट पे न्यूयॉर्क के साथ टच रहता है, और यहाँ जो है पैसिफिक ओशन टेक्सास, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन के साथ टच रहता है। तो ये जो पोर्ट है ये पैसिफिक ओशन में
काउंट होता है, तो यहाँ से जो है वो बहरी जहाज शिप्स जो आप बोलते हैं तकरीबन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो कंटेनर्स लेके जाते हैं, और एक एक शिप पे तकरीबन 3,000 से 5,000 कंटेनर्स जो हैं वो जाते हैं। तो यहाँ इन होने के लिए हर बंदा जो है वो इन नहीं हो सकता, इन होने के लिए आपको एक स्पेशल ट्विक कार्ड जो उसको बोलते हैं वो बनाना पड़ता है। तकरीबन उसकी जो कास्ट है $200 से $300 जो है वो आपको चार्ज करते हैं। आपका फिंगरप्रिंट 2 से 4 वीक जो है वो लगाते हैं आपका बैकग्राउंड चेक करने के लिए, उसके बाद वो आपको क्लियर करते हैं, इशू करते हैं कार्ड, जो उसके बाद आप जो है वो इन आउट हो सकते हैं। तो मैं अभी आपको जो है अंदर लेके जाता हूँ, कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा आपको दिखा सकूँ। मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है वो काफ़ी रश रहता है अंदर, जो कि नाइट शिफ्ट में काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा आपको मैं दिखा सकूँ। चलिए चलते हैं। तो ये जो ट्रिक कार्ड है मैं यहाँ पे स्कैन करूँगा, उसके बाद ये मेरा जो है डेटा रीड करके मुझे आइडेंटिफाई करेगा, तो उसके बाद गेट जो है वो अभी ओपन हो चुका है, तो मैं अभी जा सकता हूँ अंदर। जैसे आप देख सकते हैं ग्रीन लाइट भी आ चुकी है। तो जैसे देख रहे हैं ये ट्रक जो है ये बिल्कुल खाली है, इसके पीछे जो बिल्कुल मेरे सामने कुछ नहीं है, और जो लेफ्ट साइड पे है उस पर आप देख सकते हैं उसको चैसी बोलते हैं, उसके ऊपर कंटेनर नहीं है, और जो उसके बिल्कुल लेफ्ट पे है तो उस पर चैसी भी है और कंटेनर भी है। तो मेरे पास भी जो ट्रक है वो बिल्कुल जो मेरे सामने जा रहे हैं ऐसे ही है। मैं अभी जाऊंगा, पहले चैसी जो है वो ग्रैब करूंगा, उसके बाद कंटेनर जो है वो मैं इसके ऊपर मशीन से ट्रांजेक्शन बना के मैं आगे निकल आया हूँ। तो अभी मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक तो मैं चलाते चलाते रोज़ा अफ्तार करता, और दूसरा ये था कि आराम से एक जगह पार करके उसके बाद अफ्तार करूँ। तो अभी एक मिनट है मेरे पास, तो मैंने अभी पार्क किया यहाँ पे, मुझे यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है आप क्यों खड़े हैं, कितना खड़े होंगे, क्या है ये वो कुछ भी नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आराम से अभी रोज़ा अफ्तार करते हैं, नमाज जो है असर की वो मैंने बाहर पढ़ ली थी। एक फ़ायदा ये भी है कि हम 50 माइल के ऊपर चले जाते हैं तो हमें नमाज जो है वो सफ़र वाली पढ़नी पड़ती है, तो इसलिए ये भी आसानी हो जाती है। तो अभी तकरीबन आधा मिनट है, मैं थोड़ा दुआ करता हूँ, उसके बाद रोज़ा अफ्तार करते हैं फिर निकलते हैं। पानी भी मेरा पास पड़ा है और शरबत भी रूह अफजा जो बताई थी। यार थोड़ी भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी, इसी वजह से थोड़ा सा बातों में मैं रुक रहा हूँ। तो यार जितना मैं डर रहा था उससे काफ़ी अच्छा दिन गुजरा है। प्यास लगी है हल्की फुल्की, लेकिन जिस तरह से मैं फील कर रहा था उससे काफ़ी बेहतर है। चलो यार कैमरा आ रहा है तो मुझे थोड़ा संभल के खाना पड़ा है, कैमरा जो है मैं ऑफ़ कर दूँ, और क्योंकि टाइम कम है, टाइम नहीं है, और मैं कम से कम जो अपनी मेरी रूटीन होती है उससे मैं 2 घंटे लेट हूँ। और मुझे लग ऐसा रहा है कि मैं तकरीबन सुबह 3 बजे से 4 बजे के दरमियान या शायद थोड़ा पहले डन होऊंगा, क्योंकि मैं 2 ट्रिप लगाता हूँ, ये फर्स्ट ट्रिप है, जाना है फिर वापस आना है और फिर जाना है, तो मेरे साथ ही रहिएगा। तो यार पहला बॉक्स जो है वो मैं लेकर बाहर आ चुका हूँ पोर्ट से, इसके लॉक जो है वो मैं मेक श्योर किए कि अपनी लॉक पोजीशन पर हूँ, और जो सेफ्टी की जो जो चीज़ें हैं वो मैंने ऑलरेडी चेक कर ली हैं। अभी पढ़ता हूँ मैं नमाज़ मगरिब की, 1 आवर 30 मिनट की ड्राइव है, जितनी जल्दी कोशिश करेंगे पहुँचें, उसके बाद दोबारा से आना है और फिर जाना है, तो एक लंबी रात आने वाली है आगे। You
तो टाइम हो रहा है 10:10, 8:30 पे हम वहाँ से निकले थे। एक आवर और 30 मिनट का रास्ता है यहाँ पे। फर्स्ट ट्रिप जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मैं अभी वापस जा रहा हूँ, सेम प्लेस सेम प्रोसीजर। और इशा की नमाज़ मेरी कोशिश है कि मैं वहाँ पे पढ़ूँगा इंशाल्लाह। 11 से 12 बजे के दरमियान उस पोर्ट में ब्रेक होती है, लंच होता है उनका, तो आई थिंक मैं स्टक हो जाऊँगा 1 घंटे की ब्रेक में। अभी कुछ हो नहीं सकता, अगर लकी हुआ तो शायद विद इन ब्रेक मुझे वो बॉक्स रख दे, नहीं तो फिर 12, 12:30 तक वेट करना पड़ेगा। तो मेरे साथ रहिए, मैं आपको मिलूँगा पोर्ट ऑफ ऑकलैंड में। तो यार सीन्स कुछ ऐसे हैं, अनबिलीवेबल। तो यार मैं तो कर रहा हूँ यहाँ पे इंजॉय, क्योंकि मुझे बाग से ही मिला सेकंड। मेरे तो हो गए मज़े, मैं पोर्ट में इन हुआ था, लेकिन सम टाइम ये होता है कि बाग से जो है वो देना स्टॉप कर देते हैं। बाग से तो अंदर काफ़ी थे जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही होगा, लेकिन हर एक की शिपिंग लाइन जो है वो डिफरेंट होती है, तो मैंने ऑलरेडी अपने जो डिस्पैच को कॉल करके बता दिया। नेक्स्ट टाइम मैंने अगर कोई ब्लॉग बनाया और रोज़ों में, तो मैं अफ्तारी जो है वो यहीं पर कहीं भी बैठ के करूँगा। अभी बला की सर्दी है और मैं आई थिंक मुझे निकलना चाहिए, काफ़ी देर भी हो तो रही है। जो लाइट्स आपको नज़र आ रही है मेरे पीछे, ये है सैन फ्रांसिस्को, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ से अगर मैं जाऊँ तो 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन अभी तो रात के 2 बज रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी मैं एक नया व्लॉग लेके आऊँगा। तो आई थिंक अभी ख़त्म करते हैं ब्लॉग को यहीं पे, काफ़ी लंबा हो चुका है आई थिंक ये ब्लॉग। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग, ये मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वो जो लाल वाला बटन है ना उसको दबा दो यार, उसको जो मर्ज़ी करो, लेकिन उसको लाल नहीं रहना चाहिए। तो आपसे लूँगा इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।